सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस सरकार का चेहरा तालिबानी हो लेकिन ये पूरी सरकार पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी बैक से सपोर्टेड है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये है ISI का चीफ फैज हामिद। ये शख्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ISI का चीफ है और ये काबुल में सरकार गठन को लेकर चर्चा करने गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ सरकार गठन में मदद कर रहा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ISI चीफ का काम सरकार गठन के बीच नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि बेशक तालिबानी सरकार का गठन हो रहा हो लेकिन दिमाग इसके पीछे पूरे तौर पर पाकिस्तानी है। चेहरा तालिबानी, सरकार पाकिस्तानी। सरकार बनाएगा तालिबान, चलाएगा पाकिस्तान। एक तरफ तालिबान में सरकार गठन की कोशिशें तेज हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान तालिबान के साथ नापाक दोस्ती की इबारतें लिख रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में ISI के चीफ फैज हामिद आपको तालिबानी आतंकियों के साथ दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि चेहरे पर लगा नकाब भले ही तालिबान का है लेकिन उसके पीछे छिपा है इमरान खान का वो पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान की नापाक दोस्ती का कच्चा चिट्ठा तो तभी खुल गया था जब इमरान खान गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तालिबान को मुबारकबाद दे रहे थे। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान में जश्न है, मिठाइयां बट रही हैं, इमरान एंड ब्रिगेड पल्लियां उछल रहे हैं और तालिबान की वकालत में लगे हैं। As neighbors and friends and well wishers to adopt an inclusive approach. ये फहरिस्त इतने ही नहीं है, तालिबान और पाकिस्तान के इस नापाक यारी के सबूत और भी हैं। लेकिन बेशक अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से सरकार बन रही हो लेकिन इस सरकार की मुखालफत यानी कि इसके खिलाफ पाकिस्तान के लोग खड़े होने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।